दुनिया की मुसीबतों से परेशान हूँ, घर की मुसीबतों से परेशान हूँ, हुकूमतों की तब्दीलियों से परेशान फना-फना पाबंदियों से परेशान हूँ, तो ऐसी सूरत में नबी की उस जिंदगी को याद कर लेना चाहिए जब काबे की दीवार पर पाबंदियों का बड़ा लटका दिया गया था ए मक्के वालों अरब की कौम सुन लो आज के बाद से मुसलमानों के साथ कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी मुसलमानों को कोई अपनी दुकान से कोई सामान नहीं बेचेगा उनकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा उनसे कोई रिश्ते नहीं करेगा उनसे कोई उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा उनके साथ कोई नहीं बैठेगा काबे की दीवार पर यह बाइका का ऐलान लगा दिया गया महतरम हाजरीन अल्लाह तबारक वाली की याता करदा ज़िंदगी एक मुख्तर महदूद और मुतायन ज़िंदगी जिसकी इंतहा दुनिया में किसी इंसान को नहीं पता जिसमें तब्दीलियों का किसी को इल्म नहीं कोई नहीं जानता कि उसकी पैदाइश कहाँ होगी और उसकी कब्र कहाँ होगी अल्लाह तबारक वाले ने इंसानों को पैदा फरमाया और वही इंसानों को मौत देने वाला है कोई भी इंसान इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया इंसान की ज़िंदगी का मकसद वमा फ़लक वन सईल्लाबोन अल्लाह तबारक व ताल की इबादत अल्लाह तबारक व ताल की वहदानियत अल्लाह तबारक व ताल के सामने सर झुकाना उसी के सामने हाथ उठाना उसी से उम्मीद करना उसी से दुआएँ करना उसी को कायनत का मालिक समझना आखिरत का मालिक भी उसी को तसुर करना यही इंसानी ज़िंदगी की पैदाइश का मकसद है अल्लाह तबारक वाली ने दुनिया में जितने भी इंसान पैदा फरमाए हैं इंसानों की जिंदगियों में तब्दीलियाँ रखी हैं जैसे इंसान शक्ल व सूरत से तबीयात से मुख्तल होता है ऐसे ही इंसानों की जिंदगियों में भी तब्दीलियां होती हैं तमाम इंसान की ज़िंदगी एक जैसे नहीं होती इंसानों के दरमियान ऊंच नीच ख़ानदान की तकसीम तबीयात की तकसीम इंसान की ज़िंदगी में रोज़ी में तफरीक़ ये सब अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है अल्लाह तबारक व ताला की शान है अल्लाह व तआला आदिल है वो किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता दुनियावी ज़िंदगी एक महदूद ज़िंदगी है कोई इंसान ये समझे कि इस ज़िंदगी के अंदर वो हमेशा एक ही हाल पर बाकी रहेगा वो इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा खुशहाल रहे कोई इंसान ये समझता है कि ज़िंदगी हमेशा परेशान कौन होगी वल्ल तबारक व ये फ़रमान उसे पढ़ लेना चाहिए फ़ाइन न मालन उस रसरा इन न मालुस रसरा दुनिया के अंदर कभी भी इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है ज़िंदगी में बदलाव आएगा तब्दीलियाँ होगी एक इंसान की ज़ाती तौर पर उसके नफ्स में तब्दीली होगी उसकी अकल में तब्दीली आएगी उसके अखलाक अमाल में तब्दीली आएगी उसकी नौकरियों में तब्दीलियाँ होगी उसके घर के अफराद में तब्दीली होगी उसके महल्ले में बदलाव आएगा शहर और मुल्क बदलेगा हुकूमतें बदलेगी दुनिया के तमाम के तमाम इंसान ख़त्म हो जाएंगे और एक नई तब्दीली आएगी नए इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होंगे यी तब्दीलियाँ हैं जो इंसान रोज़ाना अपनी आँखों से देखता है इंसानी ज़िंदगी में खुशहाली के बाद कभी बदहाली आती है कभी इंसान सेहत के बाद परेशान होता है बीमारी लाहिक होती है अच्छा ख़ासा चलता फिरता इंसान अचानक बिस्तर पर चला जाता है कोई इंसान दुनिया में कुछ चाहता है हासिल नहीं हो पाता कामयाबी चाहता है नाकाम हो जाता है मेहनत करता है पढ़ाई करता है इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है ज़िंदगी में किसी को चाहता है वो चाहने वाली चीज़ नहीं मिलती कभी खुशहाल ज़िंदगी की तमन्ना करता है ज़िंदगी में झगड़े हो जाते हैं ज़िंदगी में दीवारें और दरारें पैदा हो जाती हैं कोई उसके उसके नज़दीक महबूब था वो अचानक मबूस बन जाता है किसी का वह अहतराम किया करता था एतमाद करता था वही इंसान उसको धोखा दे बैठता है कोई इंसान किसी की किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था देखते ही देखते वही इंसान इसी को कुर्बान कर देता है ऐसे मौाक़े ऐसे हालात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं तो इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है क्या आखिर ये कैसी ज़िंदगी है मैं अच्छा चाहता हूँ मेरे साथ बुरा हो रहा है मैं खुशहाल ज़िंदगी चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आती मैं अपने बच्चों को अपनी बीवियों को अच्छा देखना चाहता हूँ हमेशा परेशानी नज़र आती है मैं मेहनत करता हूँ कामयाबी कामयाबी की सीढ़ियाँ नज़र नहीं आती मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ कि तमाम के तमाम लोग अच्छे नज़र आएँ आए। मैं रात दिन दुआएं करता हूं कि मुसलमान अमन व सलामती से रहें लेकिन अमन व सलामती का दूर दूर तक नाम व निशान नज़र नहीं आता आखिर वो मायूस होता है परेशान होता है और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाता है गिड़गड़ाता है दुआएं करता है मता नसरुल्लाह सरूँगा एल्ला तेरी मदद कब आएगी तू कब हमारा साथ देगा कब हमारी बीमारियां ख़त्म होगी कब हमारी मुश्किलें खत्म होगी कब हमारी मुसीबतों से हमको छुटकारा मिलेगा कब हमारे घर के अंदर अमन और सलामती होगी कब हमारी बीवियां हमारी फरमा बरदार बनेगी कब हमारे बच्चे हमारी इताद गुजार बनेंगे लेकिन दुआएँ तमन्नाएँ गिड़गिड़ाने के बाद नमाज़ें पढ़ने के बाद रोज़े रखने के बाद सब कुछ करने के बाद भी फिर भी उसको मायूसी ही मायूसी नज़र आती हैं इंसान मायूस हो जाने के बाद कभी उस मायूसी का एक रास्ता तलाश करता है और वो रास्ता हम देखते हैं जो इंसान ज़िंदगी से मायूस होता है तो कभी मायूसी से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी पेड़ पर लटक जाता है कभी इसी मायूसी से छुटकारा हासिल करने के लिए कभी पंखे के सामने आ जाता है कभी अपने आप को अपने हाथों से ख़त्म कर देता है कभी बॉटल से जहर पी लेता है कभी अपना गला दबा देता है कभी किसी पानी में कूद कर अपने आप को ख़त्म कर देता है तो कभी ये ख्वाहिश करता है कि मैं भी मायूस हो चुका हूँ मेरे बच्चे मायूस हो चुके हैं मेरे माँ बाप मायूस हो गए हैं मेरी बीवी मायूस हो चुकी है क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ मायूसी से बाहर निकल जाएं और सब के सब एक साथ अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर बैठते हैं और वो ये समझते हैं कि मायूसी का हल है यही चीज़ है जो मायूसी से हमको छुटकारा दिलाने वाली है दुनिया तो अमन सलामती की जगह है दुनिया तो खुशहाली की जगह है बीमारी परेशानी की जगह नहीं है अगर इंसान ऐसा समझता है तो शायद वो ग़लती करता है नबी करीम पर अल्लाह तबारक तआला ने चौदह सौ साल पहले जो कुरान मजीद नाजिल फ़रमाया था उसमें अल्लाह ताला साफ साफ़ कहता है وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ هم آب کو أَبْكُو أَزْمَايَنَگِ آپ آب کا امتحان لیںگِ آپ کو डर और खौफ में मुबतला कर देंगे आपको भूख में मुबतला कर देंगे कहत साली आप पर नाजिल कर देंगे आप खाने के लिए तड़पेंगे पानी के लिए परेशान होंगे माल खत्म हो जाएगा फ़कीरी आ जाएगी और बहुत सी परेशानियां आपके ऊपर लाक होगी ये सिर्फ़ हम इसलिए करेंगे वलनबल वन नकुम बनखोफ व नम वालफ मरा साबरिन ताकि हम ये देख सकें कि अल्लाह तबारक व ये जो मुसीबतें यह आजमाय से इन पर नाजिल फ़रमाई है ये इंसान इसमें इन आजमाइश और मुसीबतों का मुकाबला कैसे करता है वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है क्या वो समझता है कि मुसीबतें ना आए तो मुसलमान हैं क्या वो ये समझता है कि परेशानियाँ ना आए तो मोमिन है मोमिनों पर परेशानी नहीं आएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अशदना अलम्बिया उ सलमसल उफल अमसल दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सबसे ज़्यादा मुसीबतें सबसे ज़्यादा आजमाइशें अगर किसी को होती हैं तो वह अम्बिया है। सब हैं सबसे ज़्यादा मुसीबतें अम्बिया पर नाजिल हुई फिर उनके बाद उन लोगों पर जो तकवा में परहेजगारी में इबादतों में और तकवे में उनके करीब के होंगे जो सहबा हैं जो महदसिन हैं जो इम्मा हैं जो फुका हैं जो उलिया हैं ये ये लोग सबसे ज़्यादा नबी के बाद परेशानी में मुबतला होंगे जो दीनदारी से तकबे से ईमान से जितना ज़्यादा दूर होगा मुसीबतें दुनिया में उसको उतनी ही कम होगी असदुल्नासी भला अन अलाम्बिया ऊसमल अमसल उफ़ल अमफल इससे इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी आती हैं जो मुसीबतें आती हैं ये हमारे हमारे ईमान के इम्तिहान के लिए हैं हमारी जिंदगी को झंझोड़ने के लिए हैं हमको सही राह पर लाने के लिए हैं हमको साबिर और शाकिर बनाने के लिए हैं और जब भी इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो उसके सामने एक कायदा हो जाना चाहिए एक फार्मूला बनाना बना लेना चाहिए उन दुरु मन हुआ असफल अमिन कुम ولا ولا تنجروا من هو فوقكم فهو वोला الله عليكم. जब भी आप पर मुसीबत आए अगर आप बीमार हैं तो आप ये सोचें कि मैं बीमार हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं बीमारी के बावजूद मैं चलता हूँ फिरता हूँ अगर आपके हाथ पैर टूट चुके हैं तो आप ये समझे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर तो है भी नहीं उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए मफकूद हैं जिंदगी में दुनिया में वो बेकार इंसान की तरह नजर आते हैं अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप ये समझें कि सिर्फ आंखें नहीं हैं पूरा का पूरा जिसम तो मौजूद है अगर ये सब भी नहीं है तो कम से कम ये तो सोचें कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे जिंदगी तो दी है कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी से भी महरूम हो चुके हैं उन परेशानियों में आप दूसरों की परेशानियों को तो ऐसी सूरत में हमारी परेशानियां उनके मुकाबले में कम तर नजर आएगी और हमें एहसास होगा अल्लाह तबारक वाल हमारी जुबान से शुक्र अदा होगा अल्लाह तरा लाख लाख शुक्र है ये परेशानी तो बहुत कम है फना को मैंने तो इससे ज़्यादा परेशान देखा है ये तकलीफ़ तो बहुत कम है फना को मैंने इससे ज़्यादा तकलीफ़ में मुबतला देखा है मेरे घर में अमन और सुकून नहीं है मैंने फना को तो इससे ज़्यादा बर्बाद देखा है और जब इंसान की ज़िंदगी में परेशानी लाइक हो तो उसको नबी करीम सलील्ह वम की ज़िंदगी को याद कर लेना चाहिए आप अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे महबूब इंसान वसल्लम अल्लाह तारा के सबसे महबूब बंदे आपको जब आपको नबत दी गई आपकी जिंदगी में तकलीफ और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ने लगे तरह तरह के लोग जो आपको शादी व अमीन कहा करते थे जो आपकी इज्जत करते थे एहतराम करते थे आ उन पर आपका रुब होता था आपके सामने घुटने टेक कर बैठते थे अब वो आपके सामने आकर कभी आपके मुंह पर थूकने लगे कभी आपको गालियां देने लगे कभी आपके हसब नसब पर बदान करने लगे कभी आपके गले में रस्सी बांधकर आपको जानवरों की तरह घसीटने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाम आलमीन है आलमीन ने उनको रहमतमीन बना कर भेजा था ये सारी मुसीबतों पर सब्र किया करते थे वो भी तो सोचा करते थे अल्लाह मैं कितना नेक इंसान था लोग मेरा कितना एहतराम करते थे ये लोग मेरे सामने सम... मुझे सरदार समझा करते थे मुझे शादिक वमीन मानते मेरा एहतराम करते थे आज मेरी क्या हैसियत हो गई है ये मेरे मुंह पर थूकने लगे हैं ये ये मुझे मुझे देने लगे हैं। ये मुझे लगे हैं, हैं, मेरे ऊपर गंदगी मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ नमाज पढ़ना चाहता हूँ ये नमाज पढ़ने नहीं देते सजदा करता हूँ उजड़ी लाकर मेरे मेरे गले पर डाल देते हैं मेरी पीठ पर डाल देते हैं ताकि मैं अपनी पीठ भी ना उठा सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला से नबी सल्ला वल्लम ऐसी परेशानियों में दुआएं करते थे आप काबे के सामने बैठे हुए थे बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला तुम आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतें बहुत हो गई परेशानियां बहुत नाजिल होने लगी हमने ईमान लाया है हम अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की इबादत करते हैं अब हम तो हमारी ज़िंदगी में अमन होना चाहिए सुकून होना चाहिए खबा बिनारत रजी अल्लाह तन नबी वम से दुआ कर, इल्तिजा करते हैं यार सुन अल्लाह से दुआ कीजिए मता न अल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी आप दुआ कीजिए अल्लाह तो अपनी मदद नाजिल फरमा नबी नबीम सा को देखते हैं परेशान हाल हैं तकलीफ में मुबतला हैं बड़ी उम्र के हैं ईमान ला चुके हैं काबे के काबे के सामने मौजूद है काबा उनको आंखों से नजर आता है नबी उनके सामने बैठे हुए हैं और थोड़ी सी मायूसी हो चुकी है तो उनको समझा कर कहते हैं क्या तुम जानते हो न आपसे पहले जो लोग मौजूद थे उनके चेह, उनके चेहरों पर उनके सरों पर लोहे की कंगियों से कंगी की जाती थी उनकी चमड़ियां कंगियों से निकाली जाती थी उनके जिस्मों को खुरचा जाता था क्या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या आपके साथ ऐसा हुआ है वकान यू बिल मिनशार फयुफान फयूफ फिलुन और उनके उनके सरों के ऊपर आरे रखे जाते थे उन आरों से सर के ऊपर से दो टुकड़े कर दिए जाते थे चीने जाते थे खब्बाब क्या आपके साथ ऐसा हुआ है क्या आपके साथ ऐसा हुआ है वो कहते थे नहीं यार सुनूँगा तो कहते थे जाओ सब्र करो ये जिंदगी की परेशानियाँ ये मामूली परेशानियाँ हैं अगर आपको साबिकीन की परेशानी बताई जाए तो आपको एहसास होगा कि हमसे पहले के लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है अम्मा बिन यासिर रजी तआला मुसलमान हुए उनकी उनका बेटा मुसलमान हुआ वालिद मुसलमान हुए बीवी मुसलमान हो गई अबू जहल इन तीनों को मक्के की एक वादी में खड़ा करके बांध देता है और उनको सजाएं देता है एक बाप है जवान बेटा है बूढ़ी माँ है तीनों को पकड़कर बांधा जाता है मारा जाता है सईदलमसलीन से गुजरते हैं ये मोमिन हैं इन्होंने नबी पर ईमान लाया है ये बूढ़े

सब्र करो तुम्हारा वादा जन्नत है तुम्हारा ठिकाना जन्नत है इसी सब्र की हालत में अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे अगर कोई कोई इंसान मुसलमान होता है दुनिया की मुसीबतों से परेशान हो घर की मुसीबतों से परेशान हो हुकूमतों की तब्दीलियों से परेशान हो फ़ना फना पाबंदियों से परेशान हो तो ऐसी सूरत में नबी की उस जिंदगी को याद कर लेना चाहिए जब काबे की दीवार पर पाबंदियों का बड़ा ऐलान लटका दिया गया था और उसमें लिखा गया था लाबा मुसलमानों के साथ कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी मुसलमानों को कोई अपनी दुकान से कोई सामान नहीं बेचेगा उनकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा उनसे कोई रिश्ते नहीं करेगा उनसे कोई उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा उनके साथ कोई नहीं बैठेगा बे की दीवार पर यह बाइकाट का ऐलान लगा दिया गया अब तसर करें आज हमारे इस मुल्क के अंदर जो परेशानियां हमको नजर आती हैं वो परेशानी जो नबी के दौर में थी और ये परेशानी जो हम गुनहगारों के दौर में है दोनों परेशानियों का अगर मुआजना किया जाए मुकाबला किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा वो साहबा की परेशानियाँ हमारी परेशानी से बहुत खतरनाक थी बहुत ज़्यादा थी उस बायकाट के ऐलान के बाद आज भी दुनिया के अंदर जगह जगह मुसलमानों का बहकाठ होता है मुसलमानों को तकलीफ़ें दी जाती हैं लेकिन चंद लम्हे के लिए चंद दिनों के लिए थोड़े से थोड़े से वक्त के लिए ये परेशानियां ज़्यादा दिनों तक नहीं आती अल्लाह तबारक वो ताला उन उनिम कौमों के अंदर ही बहुत से मुनसिफ़ और आदिल हुक्मरान पैदा करता है जो अप, जो हमारी हमारे भाइयों की परेशानियों को ख़त्म कर देता है नबी करीम सल्ला वसलम इस उस बायकाट के बाद तीन साल तक अबू तालिब के उस घाटी में चले गए मुसलमान जवान वहाँ जमा थे औरतें वहाँ जमा थी छोटे छोटे बच्चे वहाँ जमा थे मक्के वालों ने ये पाबंदी लगा दी थी कोई भी इंसान इन लोगों को खाना नहीं पहुँचाएगा कोई भी इंसान इन लोगों तक पानी नहीं पहुँचाएगा कोई इंसान इन लोगों से मुलाकात करने के लिए नहीं जाएगा सोचिए ज़रा गौर करिए तीन साल तक के उस वादी में नबी साहबा अपने ख़ानदान अपने घर वाले बच्चों के साथ रहें वहाँ खाने के लिए परेशान थे, भूख और प्यास से बच्चे बिलकते थे रोते थे चिल्लाते थे, थे उनकी आवाजें पहाड़ियों के दामनों में जगह जगह गूंजती थी हत्या के बहुत से लोगों को ऐसी मुसीबत में दरख्तों के पत्ते और जानवरों की चमड़ियाँ तक खानी पड़ी थी क्या हमने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें देखी हैं हमारे दरमियान अस्सी साल के अफराद भी मौजूद हैं सत्तर साल वाले भी मौजूद हैं वो अफराध भी मौजूद हैं जो आज़ादी के वक्त में यहाँ यहाँ पर यहाँ पर मौजूद थे वो अफराद भी मौजूद हैं जो आज जवान हैं नौजवान हैं छोटी उम्र के हैं बूढ़े हैं मर्द हैं औरतें हैं क्या इन लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी देखी है यकीनन हमने ऐसी परेशानी नहीं देखी अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए कि हमारे गुनाह हमारे अमाल हमारे करतूत हमारे फ़राइज में कोताहियाँ हमारी ज़ुबान की लफ्जें हमारे हमारे मालों में हराम काम के हराम तजारतों की आमेज़िश, या ऐसी बुराइयाँ हैं ऐसी बीमारियाँ हमारे पास मौजूद हैं अल्लाह तबारक तआला चाहता तो हमारे ऊपर एक बार ये आजाब नाजिल कर देता था हम बड़े से बड़े अज़ाब के मुस्तक भी हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वया अन कसीर व कसीर, कसर अल्लाह तबारक वाना तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देता है बहुत से गुनाहों लग्जों से दरगुजर करता है हमारे गुनाहों का मुआजा नहीं होता हमारी गलतियों का मुआजा नहीं होता और नबी की ज़िंदगी के बारे में जो हम गौर करते हैं कभी हमारे घरेलू हालात पर परेशानी आती है कहीं हमारे बच्चों में परेशानी आती हैं हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं अरे गहरे के सामने अपना सर झुका लेते हैं किसी और के सामने हाथ फैलाते हैं अपने ईमान को अपने ईमान को खैराबाद कह देते हैं और फिर दुनिया के अंदर ऐसे इंसान बन जाते हैं गोया कि इंसान नहीं इंसान जानवर नुमा इंसान हो उसे नहीं पता है कि फिर खुदा कौन है अल्लाह कौन है नमाज क्या होती है वो ये समझता है कि अल्लाह ने मेरा क्या किया है मैं क्यों अल्लाह के सामने सर झुका मेरे मेरी जिंदगी में तो परेशानियां ही परेशानियां हैं मैं क्यों रोजा रखूं मैं क्यों नमाजें पढूं मैं क्यों दुआएं करूं मुझे तो दूसरों के बात जाने से सुकून मिलता है तो उसे नबी की जिंदगी याद कर लेनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों में इस्लाम की दावत देने लगे अबू वहल के घर में नबी की दो बेटियां मौजूद थी, रुक़िया रजी अल्लाह तह उमें कुलसुम रजी अल्लाह ता जैसे ही नबी ने इस्लाम की दावत देना शुरू की अबू जहल के बेटे उतबा और तयबा ने नबी की दोनों बेटियों को तलाक दे दिया इधर नबी जिस्मानी एतबार से परेशान हैं लोग आपको गालियां देते हैं हसब व नस्ब पर कलाम करते हैं बाहर निकलो बाहर कोई भी इंसान आपको आपको अच्छा नहीं मानता सब आपको तकलीफ देने के दर पे हैं और घर में जाओ तो घर में नौजवान बेटियां जिनको तलाक हो चुकी हैं घर के अंदर आ गई हैं बताओ ऐसे वक्त में बेटियों का दिल क्या कहता होगा अबू आपकी वजह से आपके आपने ईमान की दावत दी इस्लाम की दावत को आम किया हमारी जिंदगियां तबाह हो गई हमारे शहरों ने हमको तलाक दे दिया बच्चों का दिल क्या कहता होगा लेकिन वो ईमान वाली थी वो नबी की बेटियां थी नबी ने उनसे कहा था असद भला अनबिया बलामसलो फलामसल अम्बिया पर सबसे ज़्यादा तकलीफें आती हैं तो अम्बिया के घर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी आप मेरी बेटियाँ हैं आप मेरी बीवियाँ हैं इन सब पर ज्यादा तकलीफें होंगी उन तमाम के तमाम लोगों ने उन तकालीफ पर सब्र किया हमेशा अल्लाह से दुआएं करते रहें दुनिया के अंदर जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए उन्हें ये समझ लेना चाहिए इन नमाल सरा इन नमाल रुस रियुसरा इन नमाल रुस रियुसरा हमेशा जब भी कोई मुसीबत आएगी मुसीबतों को ख़त्म करने वाला अल्लाह तबारक वाले है अय्यूब व सलाम पर जब मुसीबतें आई तकलीफ़ें आई आप बीमार हो गए तरह तरह की हालात से दो चार हो गए वह अय्यूब इधा रबूँ जुर्म ं तरह जब उन्होंने अल्लाह तबारक वाले से कहा है अल्लाह ये मुसीबत है ये तकलीफ़ें हैं तो अरहमर राहमीन है तो अरहमर है, है एक छोटे से मामूली से बंदे को तकलीफ़ हो जाए तो अरहमलराहिमीन है अल्लाह तो मुझ पर रहम फरमा अल्लाह तबारक वाल नेुबलाम की दुआ को कबूल कर लिया उनकी आवाज़ को सुन लिया उन पर रहम अपनी रहमतें नाजिल फ़रमाई और उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए और जो दुनिया के अंदर तरह तरह के सियासी हालात तब्दील हालात में तब्दीलियां नजर आती हैं कहीं कोई हारता है कोई जीतता है कोई मालिक बनता है कोई हाकिम बनता है ऐसे लोगों को देखने के बाद भी आज हमारे मुल्क के मुसलमान कुछ मायूस से नज़र आते हैं वो ये समझते हैं कि फ़ना आ गया तो क्या होगा फना की हुकूमतें होगी तो क्या होगी हमारा ईमान कमज़ोर है क्या आपने ये नहीं समझा कि हमारी जान हमारा रूह हमारी रूह हमारा जिस सल्लल्लाहु ताला के कब्जे में है कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर हमारी ज़िंदगी की बका के लिए एक सेकंड भी बाकी होगा तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती हमारी ज़िंदगी नहीं छीन सकती कोई हमारा खाना छीन ले रोजी देने वाला अल्लाह तबारक वाल है कोई हमारा पानी रोक ले, पानी नाजिल करने वाला अल्लाह तबारक वाली है कोई हमें तकलीफ़ पहुंचाए तकलीफों को ख़त्म करने वाला अल्लाह तबारक वाल है कोई हमारे घरों को उजाड़ दे, दुनिया को आबाद करने वाला अल्लाह तबारक वाले है ऐसे बर्बाद करने वाले कोई जुल्म करने वाला हो इनके दिलों को फेरने वाला भी अल्लाह तबारक वाले हैं जब जालिमों का जुल्म ज्यादा होता है तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं तो नबी की उस दुआ को याद करो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक अबू जहल है एक उमर बिन खत्ताब हैं एक अबू जहल है एक उमर बिन खत्ताब है मक्के में इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं मुसलमानों को मारते हैं तकलीफ़ देते हैं तकलीफ से मुसलमान आपे से बाहर हो चुके हैं रात की तारीकी थी तनहा अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ की एला, ये दो मर्द ये दो बहादुर इंसान ये दो बड़े सरदार ये दो बड़े ताकतवर ये बड़े रुआबदार इंसान ये ऐसे अफराद हैं जिनको देख कर हमारी कौम में डरती हैं ये बड़े ताकतवर हैं इनकी ताकत की वजह से हम परेशान हैं इन दोनों ताकतवरों में से किसी एक को तो मुसलमान बना दे अल्लाह तबारक तआला ने नबी की वो दुआ सुन ली क्या आज हम ऐसी दुआएं नहीं कर सकते क्या आज हम ऐसे लोगों के लिए दुआएं नहीं कर सकते अह्ला ये हमारे हुक्मरान हैं इनके पास ताकतें हैं इनके पास फौज हैं इनके पास कुव्वत मौजूद है सब कुछ है अह्ल्ह तो इन्हें हिदायत दे दे अह्ला तो इन्हें हिदायत दे दे जब नबी ने बड़े से बड़े ताकत और हाकिमीन के लिए दुआएं की आज मुसलमानों का भी ये फरीज़ा बनता है इन लोगों पर लानत करने के बजाय इन लोगों को सरेआम गालियाँ देने के बजाय इन लोगों के ख़िलाफ़ एहत और मुजाहरे करने के बजाय रात की तारीखी में तन्हा खड़े होकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाएं और दुआ करें के दिलों को नरम कर दें्ला इन ही की क़वत के ज़रिए पुरे इस्लाम की पूरे इस मुल्क के अंदर आबाद कर दें अल्लाह तबारक वाले हर इंसान का मालिक है हमें उसने पैदा किया उन्हें भी उनसे उसी ने पैदा किया है जो हमारा मालिक है वही उनका भी मालिक है जो हमारे दिलों को फेरने वाला है वही उनके दिलों को फेरने वाला है जो जिसने हमें हिदायत दी है उसके अंदर ये कुव्वत है ये प, ये ताकत मौजूद है कि वह ऐसे इंसानों को भी हिदायत दे सकता है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु फरमाया करते थे कि नहा ना को बरा सब रसूल वसल्लम हमारे बड़े हमारे बड़े, बड़े बड़ी उम्र के जो सहाबा थे वह हमको एक बात से मना किया करते थे वो कहते थे ला तसब्ब्ब्ब्ब्बु मराकुम अपने हकिमिन को गालियाँ ना दो अपने उमरा को गालियाँ न दो वला वाला तगस्सु हम तुम उन्हें धोखा ना दो वला, वला, वला तुबगिजु हम तुम उनसे बुग्ज न रखो इसलिए कि आप गालियाँ दोगे आप उन्हें धोखा दोगे आप उनसे, उनसे बुग्ज रखोगे उनके दिलों में आपके लिए और नफरत दाखिल हो जाएगी उनके दिलों में आपके लिए और नफ़रत दाखिल हो जाएगी वो आपका इंतकाम लेने पर तुल जाएंगे उनके पास सब कुछ है उनके पास सब कुछ है आप उनसे सब कुछ हासिल करने की कोशिश करें हमें अमन चाहिए हमें 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 सलामती चाहिए हमारे इस्लाम को बोल बना चाहिए हमारे महलों की तरक्की चाहिए हमें तालीम की तरक्की चाहिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अपने हकूक़ के लिए अपने फ़राज़ के लिए उनसे हाथ मिलाएं और अपने हकूक़ का उनसे मुतालबा करें अगर हम ये काम करते हैं तो ऐसी सूरत में ये काम हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा उस काम से जो लोग चौराहों पर खड़े होकर गालियाँ देते हैं जो चैलेंज करते हैं जो धमकियाँ देते हैं ऐसे बयानबाजियों से ऐसी तकरीरों से ऐसे ऐसे खिताबों से बजाय उनके दिलों में नफ़रत दाखिल होने के दुश्मनियाँ बढ़ने के और कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है और इसका मंजर आज आजकल हम देख भी रहे हैं कि जो लोग ऐसी जुबानों का इस्तेमाल करते हैं बजाय उन नफरत के बाजार के और कोई बाजार गरम नहीं होता है तो अनर बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते थे कि साहबा ने कहा है ला तसुबु मराकुम वला تغशोहुम वला तुमगिजुहुम वतक् अल्लाह वस्बिरू फैन अल अम्र करीब तुम सब्र करो अल्लाह से डरते रहो और याद करो कि मामला बहुत करीब है मामला बहुत करीब है तुम्हारी फतह बहुत करीब है इस्लाम का गलबा बहुत करीब है अदल इंसाफ़ का गलबा बहुत करीब है जो इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल कर रहने वाला है किसी के दबाने से ख़त्म होने वाला नहीं किसी के मिटाने से मिटने वाला नहीं है बस हमारे लिए दुआ की ज़रूरत है अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया के अंदर अमन दे सलामती दे हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए हमारे अकीद की हिफाजत फरमाई और जो हमारे हाकिमी हैं अल्लाह तबारक वह उनके अंदर जो ताकतवर हैं अल्लाह को इस्लाम के, के, उनकी उनकी के लिए इस्लाम के लिए दावत के लिए जारी फरमा अल्लाह ता तबारक वाली जिन लोगों के पास फौजें हैं ताकतें हैं अफराध हैं अल्लाह तकों को इन अफराद को इन फौजों को इस्लाम का दायी बना दे ताकि सारी दुनिया में अमन कायम हो सारी दुनिया में इस्लाम फैल पहल जाए सिरक बिदात खुराफात चोरी ढकेती ड़के, ऐसे तमाम बुराइयां जो जो इंसानों को तबाह करने वाले हैं ये तमाम बुराइयां खत्म हो जाएं वाखिर दावाना रब्बिल आलमीन